दिल्ली जल बोर्ड और यमुना की सफाई में शराब नीति से बड़ा घोटाला, बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर आरोप। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड और यमुना की सफाई में केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे नई आबकारी नीति घोटाले से बड़ा मामला दर्ज करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि साइट जल आपूर्ति की निगरानी करने की बात कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली में बदली जल आपूर्ति पर भी जवाब देना चाहिए। छिपी हुई कॉलोनियों में पानी नहीं दिखता, घर के बाहर लोगों ने ड्रम रखे हैं, कई दिनों बाद टैंकर से पानी आता है, पानी भरने के लिए लोग परेशानियां झेलते हैं, नियमित कॉलोनियों में भी पानी आपूर्ति की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल से लगातार दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला हो रहा है, जल बोर्ड दिवालिया हो गया। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2021 तक जल बोर्ड पर 57,895 करोड़ रुपए का कर्ज था। पिछले साल यह ब्रोशर 71,000 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल में करीब 1400 करोड़ का कर्ज बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी उस समय जल बोर्ड लगभग 7 करोड़ रुपए के लाभ में, अब भारी भरकम कर्ज हो गया है। नई आबकारी नीति और दिल्ली परिवहन निगम बस खरीद घोटाले में बड़ा जल बोर्ड का घोटाला है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी यमुना स्पष्ट नहीं हुई। यमुना की सफाई पर खर्च हुई राशि को लेकर दिल्ली सरकार को श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए। दिल्ली प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में सबसे अधिक प्रतिबंधित है। समस्या के समाधान के लिए 6 अपोलो शोधन षड्यंत्र लगे थे, लेकिन आज तक यह काम नहीं हुआ। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यमुना की सफाई में जो 6,800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं उसका हिसाब कौन देगा। मैं भाजपा दिल्ली प्रदेश की तरफ से मांग करता हूं कि दिल्ली जल बोर्ड के कुप्रबंधन घोटाला और यमुना की सफाई में जो बंदरबांट हुई है उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। मेरा मानना है कि इन दोनों का घोटाला आबकारी और बस घोटाले से भी बड़ा होगा। इस तरह से वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की।